क्या खिलाड़ियों के साथ ऐसी डील बदल देगी क्रिकेट के भविष्य को? जी हाँ, अब खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजियां करोड़ों की डील ऑफर कर रही हैं ताकि खिलाड़ी साल भर उनकी टीम के लिए दुनिया भर में अलग अलग लीग्स खेल सकें। नमस्कार, मैं हूँ अनुभव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव। मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर चोट की वजह से इस साल के आईपीएल से अब बाहर हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर अब जोफ्रा आर्चर एक डील को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को सालाना कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने जा रही है। फ्रेंचाइजी आर्चर को 10 करोड़ से ज्यादा का ऑफर देने का प्लान बना रही है, जिसे अगर आर्चर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उन्हें इंग्लैंड से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए भी फ्रेंचाइजी से परमिशन लेनी होगी। आपको बता दें कि इस ऑफर के तहत जोफ्रा साल भर मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी के लिए दुनिया भर में अलग अलग लीग्स में खेलते नजर आएंगे। हालांकि मुंबई से सालाना कॉन्ट्रैक्ट पर तेज गेंदबाज और फ्रेंचाइजी के बीच अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये 2024 तक रहेगा। 2025 में आईपीएल का मेगा ऑक्शन होना है, उस ऑक्शन से पहले ही आर्चर का ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से है। उन्होंने 5 बार टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। आईपीएल के अलावा फ्रेंचाइजी ने साउथ अफ्रीका, यूएई, अमेरिका और इसी साल भारत में हुए वुमेन्स प्रीमियर लीग में भी टीमें खरीद रखी हैं। अगर आर्चर ने इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ अपनी सहमति जताई तो वो पूरे साल भर मुंबई की फ्रेंचाइजी से क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। आपको बता दें कि जोफ्रा इसी साल जनवरी में साउथ अफ्रीका T20 में MI की फ्रेंचाइजी MI केप टाउन की तरफ से खेल चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने अगस्त 2022 में फैमिली के साथ वक्त बिताने और फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए न्यूजीलैंड टीम के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने का फैसला किया था। यानी अब न्यूजीलैंड की नेशनल टीम से खेलने के लिए बाध्य नहीं है और वो साल भर दुनिया भर में अपनी फ्रेंचाइजी के लिए क्रिकेट खेलते हैं, और अगर उन्हें अपने देश के लिए खेलना है तो इसके लिए उन्हें अपनी फ्रेंचाइजी से परमिशन लेनी होगी। इसके साथ ही उन्हीं के देश के खिलाड़ी जिमी नीशम ने भी अपने आप को न्यूजीलैंड टीम के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर लिया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर खिलाड़ी इन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या इंटरनेशनल क्रिकेट मौत हो जाएगी, क्योंकि ये खिलाड़ी फ्रेंचाइजी के लिए दुनिया भर की अलग अलग लीग्स में हिस्सा लेंगे, ना कि अपने देश के लिए कोई श्रृंखला खेलते नजर आएंगे। अगर उन्हें खेलना है तो उन्हें अपने फ्रेंचाइजी से इसके लिए परमिशन लेनी होगी। तो क्या ये क्रिकेट के भविष्य के लिए सही है या गलत, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को सब्सक्राइब करें।